अगर आपने कुछ मंथ्स की SEO के बाद अपने कीवर्ड रैंक कर लिए हैं और तमाम कीवर्ड्स पर रैंकिंग हासिल कर लिया है, तो फिर भी क्या आपको SEO करने की जरूरत होगी? आज की वीडियो में इसी क्वेश्चन को आंसर करूंगा, तो इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ अस्पर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। आपके मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमने SEO किया अपने ब्लॉग पर, या क्लाइंट्स के लिए किया या अपने लिए किया, और जो आपके डिजायर्ड कीवर्ड्स थे वो रैंक हो चुके हैं SEO करने के बाद, तो अब क्या SEO छोड़ देनी चाहिए या कंटिन्यू रखनी चाहिए? तो आज की वीडियो में मैं यही आंसर दूंगा और लॉजिक के साथ आपको बताऊंगा कि क्यों आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए और किस डायरेक्शन पे चलना चाहिए अगर आप राइट डायरेक्शन पे हैं। जिसमें सबसे पहली चीज आती है कि आपने अगर कोई भी आर्टिकल और ब्लॉग रैंक कर लिया है, जो भी आपके डिजायर्ड कीवर्ड थे उन्हीं तमाम पोजीशन पर, और मैक्सिमम ट्रैफिक भी ले रहे हैं, और फिर अगर आप थक चुके हैं और चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर आगे काम करूं या ना करूं, तो यहां पर आते हैं दो फैक्टर। नंबर वन ये है कि अगर आपने ये डिसाइड किया था कि मैं अगर इसको रैंक कर लूँगा तो मुझे इतना रेवेन्यू प्रोड्यूस होगा, वो चाहे आपने किसी और ब्लॉग को एनालाइज करके देखा या फिर उसकी ट्रैफिक को देखते हुए प्रिडिक्ट किया था, और फिर जब आप रैंक कर लेते हैं आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा होता, तो फिर आप सोचते हैं कि मुझे इस पर और काम करना चाहिए या नहीं। तो फिर वहाँ पर आपने ही यही डिसाइड करना होगा खुद कि अगर आपकी एफर्ट वो इक्वल टू पे करती है आपको जितना आपको रेवेन्यू डिजायर्ड था, और अगर आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं उस तमाम प्रोसेस में, फिर तो आपको उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। और अगर आपके एक्सपेंसेस कुछ खास नहीं हैं तो फिर आपको उसको डेफिनेटली कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि असल जंग उसी के बाद शुरू होती है जब आप रैंक कर लेते हैं। क्योंकि जब आप रैंक करते हैं तो फिर जिसको आपने बीट किया होता है, जिसकी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट्स को ऊपर लाए होते हैं, तो फिर वो एफर्ट करना शुरू करते हैं। और कतई इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप रैंक कर चुके हैं तो फिर लाइफ टाइम आप ही रहेंगे, तो जब वो एफर्ट करेंगे आपसे नीचे वाले तो फिर आपको रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए आपने अपनी एफर्ट कंटिन्यू रखनी होती है अगर आप उन पोजिशंस को मेनटेन करना चाहते हैं, और यही SEO का रूल है कि कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो इसलिए जो लोग सवाल करते रहते हैं कि क्या SEO फुल टाइम जॉब है, इसमें पोटेंशियल है नहीं है, तो यही इस बात का आंसर भी है कि SEO जब भी आप किसी के लिए भी करते हैं, चाहे क्लाइंट के लिए करें चाहे अपने लिए करें, उन पोजीशंस पर पहुंच कर वहाँ मेंटेन करना सबसे बड़ा टास्क होता है, और वहीं स्ट्रेटजी बिल्डिंग आती है। और फिर अगर आप उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सक रहे हैं, जैसे कि लेट सपोज कि आपने कीवर्ड सेलेक्ट किए थे और उसके बाद आपने 3 महीने पर उस टास्क पर पहुँचना था या 6 महीने में पहुँचना था, और आपको 1-2 मंथ ज़्यादा लग गए हैं, तो फिर अगर आप उसको स्किप करेंगे, उसको छोड़ेंगे, तो किसी और तरफ जाएंगे, किसी और प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे। तो याद ये रखना होता है कि SEO एक टाइम टेकिंग जॉब है, इसमें आपको रैंक करने के लिए टाइम लग रहा होता है। अगर आपके लिए मॉडेबल फिजिबल है कि आप जो चलती हुई चीज़ है उसको छोड़ें और किसी नई चीज़ पर जाएं, क्योंकि उसके ऊपर भी आपको 6-8 मंथ्स लगेंगे, तो फिर तो आप उस डायरेक्शन पर जाएंगे। अदरवाइज जो आपने रैंक कर चुके हैं उसमें से ही मैक्सिमम पोटेंशियल लेना ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, ज़्यादा जल्दी रिजल्ट आएगा। उसमें एक्सप्लोर करने का ये ऑप्शन हो सकता है कि उससे रिलेटेड कैटेगरीज, अगर आप किसी स्पेसिफिक नीच में आकर फंस चुके हैं और वो और एक्सपेंड नहीं हो सक रही, तो फिर आप उससे रिलेटेड नीड्स को भी उसके अंदर कवर कर सकते हैं और अपनी एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको आंसर करने की कोशिश की है कि आपको SEO कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, और कंटिन्यू करना चाहिए तो किन बेसिस पे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपको ये तमाम बातें अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई लिखना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को टैग करना मत भूलिएगा जो कि सेम फील्ड से रिलेटेड हैं और इसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं। इस तमाम वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज मिस कर दिया, तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पर पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।